भारत चीन सीमा विवाद के चलते पूरे देश में चीन के प्रति गहरा रोष है। हमीरपुर जिला के नदौन में शिवसेना पंजाब हिमाचल के सदस्यों ने शहीद अंकुश को श्रद्धांजलि दी। शिवसेना पंजाब हिमाचल के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष वरुण कुमार की अगुवाई में शिवसेना के सदस्यों ने नादौन के गांव मलानकर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं शिवसेना ने लोगों से अपील की कि चीन में बने उत्पादों का बहिष्कार करें और स्वदेश में बने उत्पादों का उपयोग करें। इस मौके पर मलांगड़ गांव के प्रधान अनीता ठाकुर भी मौजूद रही। नादौन के गांव मलानकर में शिवसेना पंजाब हिमाचल के प्रवक्ता रणजीत धीमान और हमीरपुर जिला के युवा मोर्चा अध्यक्ष वरुण कुमार, मीडिया प्रभारी दीपमाला ने शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया और चीन के द्वारा सीमा पर की जा रही गतिविधियों का विरोध जताया। शिवसेना पंजाब हिमाचल के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष वरुण कुमार ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि जिस तरह से चीन सीमा पर विवाद चल रहा है उसे देखते हुए लोगों को चीन के उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पूरे देश में चीन के सामान को न खरीदना चाहिए और न ही बेचना चाहिए। उन्होंने लोगों से भारत में निर्मित सामान का ही इस्तेमाल करने की अपील की। आज मलानकड़ में जो हमने शहीदों को श्रद्धांजलि दी उसमें चाइना के साथ मुठभेड़ में हमारे हिमाचल के अंकुश ठाकुर जी भी शहीद हुए हैं और जितने भी हिंदुस्तान के 20 जवान जो शहीद हुए हैं मैं स्थानीय गांव वासियों के साथ मिलकर और हमारे शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता जी के साथ मिलकर उनको नमन करता हूं और सभी लोगों से यही अपील करता हूं कि चाइना के सामान का बहिष्कार करें और चाइना का जो है वो तन मन धन और दिल से विरोध करें। और मैं यही कहना चाहता हूं बार बार कि चाइना का कोई भी सामान ना ले। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि चाइना का कोई भी सामान इस्तेमाल ना करें।